नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को भूल गए हैं और फॉरगेट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप जिस भी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उसे यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करना है और उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ इस तरह से स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपको नीचे के साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड्स, तो आपको पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्राई अनदर वे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस मैसेज में आपको बताया गया है कि आपको यहां पर कन्फर्म करना है कि ये आप ही हो और आपका ही मोबाइल है। तो यहां पर हमारा ही मोबाइल है इसलिए मैं यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, वो कुछ इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आपको नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपका जो पासवर्ड है वो एक ही बार में सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है जिससे आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो दोबारा से आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसा आपने पहले बनाया था वैसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैंने एंटर कर लिया है, अब आपको चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है वो यहां पर चेंज हो चुका है या फिर नया पासवर्ड जो है वो फॉरगेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो आप यहां पर अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं या फिर आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की यूजफुल वीडियोज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।